दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं गेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 8 जून 2024 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज दिन भर में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सभी अपडेट्स को वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, साल 2024 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी मैच टी20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर जो करंटली हमें वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स दो कंट्रीज में देखने को मिल रहा है और इस टूर्नामेंट के लगभग 15-16 मैचेस हो चुके हैं। रोजाना हमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार मैचेस देखने को मिलते हैं। रोजाना पॉइंट्स टेबल में बड़े बड़े उलटफेर होते हैं, रोजाना बड़े बड़े रिकॉर्ड सबकी बार टी20 वर्ल्ड कप में यहां पर बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में आप सभी टी20 वर्ल्ड कप फैंस के लिए 4-5 बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है जो हर टी20 वर्ल्ड कप फैन को जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वन बाई वन हम उन सभी अपडेट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है पाकिस्तान टीम के कैप्टन बाबर आजम को लेकर। जी हां, आप सभी को पता है कि भाई टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की टीम ने अपना पहला मैच यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ खेला था और वहां पर यूएस के खिलाफ ही पाकिस्तान की टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सुपर ओवर में ये मैच का रिजल्ट आया था जहां पर सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने 17 रन खाए थे और भाई ये चेस नहीं कर पाए थे, पाकिस्तान को करारी हार यहां पर मिली थी। पूरे वर्ल्ड में उनकी जबरदस्त बेइज्जती यहां पर हुई थी। लेकिन इसी के साथ बाबर आजम के नाम एक बहुत ही रोस्ट घटिया शर्मनाक रिकॉर्ड हो गया है। जी हां, आपको बताना चाहूंगी बाबर आजम पूरे वर्ल्ड के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिनकी टीम आयरलैंड के साथ हार चुकी है, जिनकी टीम जिम्बाब्वे के साथ हार चुकी है, जिनकी टीम अफगानिस्तान के साथ हार चुकी है, जिनकी टीम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हार चुकी है। जी हां, 4 लो ग्रेड कंट्रीज के साथ इनकी यह टॉप टीम हार चुकी है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही घटिया और शर्मनाक रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच को लेकर, जहां टीम इंडिया ने जीत के साथ अपने कैंपेन का आगाज किया है। पाकिस्तान के कैंपेन का आगाज करारी शिकस्त के साथ हुआ, लेकिन दोनों टीमें अब टी20 वर्ल्ड कप में अपना सेकेंड मैच खेलने के लिए जा रही है। 9 जून को भारतीय समय अनुसार रात के 8 बजे न्यूयॉर्क स्टेडियम में आमने सामने होने वाले हैं भारत और पाकिस्तान। साल 2024 का है वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा ये महामुकाबला होने वाला है और उस मैच के लिए सीरियसली जोरों शोरों से तैयारियां यहां पर चल रही है। रोहित शर्मा को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है, जहां पर पहले मैच के दौरान भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए थे, लेकिन करंटली मेडिकल टीम ने कंफर्म कर दिया कि इंजरी के ज्यादा कंसर्न्स नहीं है, इंजरी से बिल्कुल अच्छी तरह से वो फिट और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में डेफिनेटली प्लेइंग 11 में सिलेक्शन के लिए भी अवेलेबल नजर आने वाली है। एक दो चेंज हमें यहां पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में देखने को मिल सकता है, जहां पर शिवम दुबे को प्लेइंग 11 से बाहर निकालकर आई थिंक मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल को टॉप ऑर्डर में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से अपडेट आ चुका है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज नहीं करेगी। 4 पेस बॉलर्स के साथ भारत के खिलाफ न्यूयॉर्क स्टेडियम में यह टीम उतरेगी और भाई कहीं ना कहीं इस मैच को लेकर जो एक्साइटमेंट है करंटली चरम सीमा पर आ चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है यूएसए प्लेयर्स को लेकर। जी आप सभी को बताइए करंटली यूनाइटेड स्टेट्स में टी20 वर्ल्ड कप होस्ट हो रहा है और भाई वहां पर क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए अपनी हर कोशिश वहां की सरकार कर रही है। और ऐसे में आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की टीम ने बड़ा सेट बैठा यहां पर उलटफेर करके दिखाया, पाकिस्तान को इन्होंने हराया। लेकिन कल एक शॉकिंग चीज रिवील हुई जहां पर ऐसा कंफर्म किया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स की तो मतलब कोई टीम यहां पर थी ही नहीं। वैसे बोलते रहे कि भाई हमने सैलरी पर प्लेयर्स को हायर किया, बिल्कुल वही सेम सीन था। एक मैच के 20,000 भारतीय रुपए यहां पर पर प्लेयर मिलने वाले हैं, पर मैच मिलने वाले हैं। और भी आपको पता है भी लास्ट मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ था उसमें प्लेइंग 11 में 5 से 6 खिलाड़ी तो वो थे जो भारत में रहते थे, भारत से बाहर जाकर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर अपना क्रिकेट करियर उन्होंने बनाया है। तो भाई सीरियसली एक अमेजिंग सी बात, उनका कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 20,000 रुपए पर मैच उनको यहां पर टी20 वर्ल्ड कप से उनकी जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है
आज होने वाले मैचेज को लेकर। जी हाँ, आज है सुपर सैटरडे। सुपर सैटरडे में चार जबरदस्त रोमांचक शानदार मैच T20 वर्ल्ड कप में आज होने वाले हैं। और इस वीडियो के डालने से पहले ही दो मैच तो ऑलरेडी शुरू हो चुके होंगे। शेड्यूल आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर सीरियसली बहुत ही लाजवाब मैचेज आज हमें देखने को मिलेंगे। और इन सभी मैचेज के बाद पॉइंट टेबल में भी सीरियसली बड़े बड़े चेंजेज हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। खैर दोस्तों, इस सभी मैचों के रिजल्ट के बाद एक पूरा पॉइंट टेबल एनालिसिस आपको आज हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। जहां पर भाई रिसेंटली एक मैच खेला जा रहा था, वहां पर एक शेख की फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उस फोटो को आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे, जहां पर उनकी शक्ल थोड़ी सी महेंद्र सिंह धोनी से मिलती जुलती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत तरह की पोस्ट हमें देखने को। महेंद्र सिंह धोनी क्या भेष बनाकर वहां पर मैच देखने के लिए गए हुए हैं। क्या दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी वो नहीं है, और भाई जितनी भी खबरें फैलाई जा रही है टोटली फेक है महेंद्र सिंह धोनी के। हम सब कल वो, और भाई कुछ सोर्सेज तो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि वो जो फोटो थी वो किसी और की थी, महेंद्र सिंह धोनी की फोटो को वहां पर एडिट किया गया है। खैर दोस्तों, जो भी अपडेट आएगा वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पोर्टल के बारे में। तो अगला पोर्टल IPL 2025। जी हाँ, IPL 2025 को लेकर जोरों शोरों से BCCI, IPL गवर्निंग काउंसिल और आपकी सभी 10 की 10 टीमों के ओनर्स ने जोरों शोरों से अपनी तैयारियों की शुरुआत यहां पर कर दी है। जी आपकी बात, जो नेक्स्ट IPL एडिशन होने वाला थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, क्योंकि भाई बेगा ऑप्शन होगा, जिसके चलते रोजाना काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स हमें IPL 2025 के रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। और आज की तारीख में भी 3-4 बड़े अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं। चलिए वन बाय वन सभी अपडेट्स के ऊपर नजर डालते। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है BCCI मीटिंग को लेकर। जी हाँ, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि भाई IPL 2025 को लेकर थोड़ी सी सर्कमस्टांसिस यहां पर जरूर जारी है। रिटेंशन रूल को लेकर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सीज यहां पर चल रही है। 4-5 फ्रेंचाइजियां चाहती थी कि भाई 8 रिटेंशन कार्ड यहां पर प्रोवाइड किए जाए, और भाई 4-5 फ्रेंचाइजियों ने बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया। बोले अगर इतने रिटेंशन कार्ड हो जाएगा तो भाई हमारे पास क्या बच जाएगा, जिनके भाई ऑलरेडी आपको पता है प्लेयर्स बहुत लो ग्रेड के हैं। तो ऐसे में यहां पर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी चली थी। बाद में यहां पर BCCI ने ऑफर दिया था सभी फ्रेंचाइजियों को, जहां पर आपके 3 रिटेंशन और 1 RTM कार्ड को अप्रूव किया गया था। और इसके ऊपर मतलब इस चीज के लिए लगभग 7-8 फ्रेंचाइजी तो बिल्कुल एग्री यहां पर है, लेकिन अभी तक फाइनल कंक्लूजन हमें देखने को नहीं मिला है। ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि 1-2 दिनों में हमें मीटिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 को ध्यान में रखते हुए उस मीटिंग को थोड़ा सा यहां पर पोस्टपोन कर दिया गया है। जी आप, करंटली हमें यह मीटिंग देखने को नहीं मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप के बाद इस मीटिंग की डेट डिसाइड होगी, और जैसे यहां पर इस मीटिंग की डेट को डिसाइड किया जाता है तो IPL 2025 के रिगार्डिंग पहली और सबसे बड़ी ये मीटिंग होगी। और जो भी अपडेट्स यहां पर इस मीटिंग से निकल कर आएंगे वो अपडेट्स आपको लगातार सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है न्यू टीम्स को लेकर। जी हां, अचानक से यहां पर इंटरनेट पर कुछ रूमर्स फैले थे, जहां पर ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि IPL 2025 में 1-2 नई टीम को ऐड किया जा सकता है, क्योंकि भाई पहले ही अपडेट आ चुका है फॉर्मेट में यहां पर बदलाव होगा। 94 मैचेस वाला फॉर्मेट में अब की बार IPL 2025 में इंप्लीमेंट में आता हुआ नजर आने वाला है, जिसके बाद भाई लगातार यहां पर लोगों की डिमांड थी, लोग जानना चाहते थे भाई क्या सिनेरियो यहां पर चल रहा है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो अपडेट्स निकल कर आए हैं, जी हां, BCCI ने खुद आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है कि भाई नंबर ऑफ मैचेस तो यहां पर डेफिनेटली इंक्रीज होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ टीम्स को इंक्रीज करने का करंटली हमारा किसी भी टाइप का कोई भी विचार नहीं। आगे 2-4-5-7 सालों के बाद यदि कोई प्लान बनेगा तो अपडेट्स आपको लगातार देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लेकर। जी हां, जब से यह पता चला है कि भारतीय टीम के नए हेड कोच के पद पर गौतम गंभीर हमें देखने को मिलने वाले, तब से थोड़ा सा किकियार के खेमे में थोड़े से सदमे वाला माहौल है। कोलकाता नाइट राइडर्स ऐसा चाहती है कि भाई गौतम गंभीर किसी भी हालत में इस टीम को ना छोड़े। जैसे ही मेंटरशिप के लिए ज्वाइन किया, टीम ने टाइटल उठाया, 3rd टाइटल उठाया, तो भाई मतलब वो कहते हैं ना कि एक अच्छी बॉन्डिंग यहां पर बन चुकी है, और उस बॉन्डिंग को कोलकाता नाइट राइडर्स करंटली तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि भाई गौतम गंभीर ऑलरेडी एज कैप्टन भी टीम को 2 ट्रॉफी दिला चुके हैं, मेंटर टीम को 1 ट्रॉफी दिला दी है। लेकिन भाई अगर वो भारतीय टीम के हेड कोच बनते हैं तो भी ऐसे में यहां पर उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खत्म करना पड़ेगा। हालांकि आपको बताना चाहूंगा, गौतम गंभीर तो भारतीय टीम के हेड कोच के पद के लिए टोटली इंटरेस्टेड यहां पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि यदि मैं उस पोस्ट तक जाता तो भाई सीरियसली मेरे लिए बहुत ही बड़े गर्व की, बहुत ही बड़े सम्मान की वो यहां पर बात होगी। तो भाई कहीं ना कहीं आपके गौतम गंभीर तो इस पोस्ट से सीरियसली खुश है, लेकिन
थोड़ा सा हड़बड़ाया हुआ यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर ये सभी चीजें हो जाती है, गौतम गंभीर भारतीय टीम के नए हेड कोच बन जाती है, T20 वर्ल्ड कप के बाद ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेगी, तो वैसे में कौन बनेगा फिर आपकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का नया मेंटर, या फिर एक डेढ़ साल के दो साल के इंतजार के बाद फिर से कमबैक यहाँ पर करेंगे गौतम गंभीर? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, दो खबर निकल कर आ रही है भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, साल 2024 में भारत में जितना भी डोमेस्टिक क्रिकेट होना है उसका पूरा शेड्यूल ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर रिवील कर दिया गया है। 10 बड़े टूर्नामेंट, 10 बड़ी सीरीज हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में अब की बार देखने को मिलेगी। पूरे के पूरे शेड्यूल को हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके पूरे कार्यक्रम को, पूरे शेड्यूल को बिल्कुल अच्छी तरह से देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां ज्वाइन करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई वहां पर आपके लिए काफी अमेजिंग कंटेंट लगातार आता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, दो खबर निकल कर आ रही है अफ्रीकन T20 लीग यानी मिनी IPL 2025 को लेकर। जी हां, हम फाइनली कल यहां पर अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा यहां पर कर दी है, जहां पर आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया गया है कि भाई साल 2025 की शुरुआत में जनवरी मंथ में हमें SA20 लीग का थर्ड एडिशन देखने को मिलेगा। और इससे पहले हमें नीलामी आपके अक्टूबर नवंबर में देखने को मिल जाएगी, जिस तरह से मतलब आपके जो ऑप्शन होते हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे। आपको पता है इस टूर्नामेंट को मिनी IPL का नाम दिया जाता है क्योंकि इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें पार्टिसिपेट करती है। 6 की 6 टीमों के जो ओनर्स है वो भारत की IPL टीमों के ओनर्स है, जिसके चलते करंटली यह टूर्नामेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। खैर दोस्तों, फिलहाल सभी डिटेल्स रिवील यहां पर हो चुकी है और भाई जैसे ही शेड्यूल के अनाउंसमेंट होती हुई अपडेट्स आपको लगातार अपने चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, दो खबर निकल कर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी करंटली तैयारियां काफी जोरों शोरों से यहां पर चल रही है। ऑलरेडी आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी यहां पर होस्टिंग को लेकर जा रही है। PCB के पास होस्टिंग राइट्स है और भारतीय टीम पाकिस्तान जाने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर तैयार नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते थोड़ी सी लगातार मीटिंग्स चलती रहती है, कभी अलग अलग तरह की PCB की तरफ से स्टेटमेंट्स, भड़काऊ स्टेटमेंट्स देखने को मिलती है। लेकिन भाई करंटली जो अपडेट उसके मुताबिक तो ऐसा ही बताया जा रहा है कि भारतीय टीम के सभी मैचों में किसी न्यूट्रल वेन्यू जस्ट लाइक UAE या फिर श्रीलंका में देखने को मिलेंगे और जो बाकी जितने भी मैचेज होने वाले हैं वो हमें पाकिस्तान में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ दिनभर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। लाल की जोड़ों में जितना इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके ट्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।